हेलो एवरीवन, दिस इज़ अपर्णा अगेन। आज मैं सोच रही थी क्या कुछ बात करने की मन कर रहा सबसे, बट सोच रही थी शेयर करूँ नहीं करूँ, क्योंकि लगता है ना आप क्यों आपको बोलना है ऐसा कुछ लोगों से, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील, सो आई एम हियर टू शेयर एंड सजेस्ट टू एवरीवन कि आप, मुझे पता है आप सब अपने पूरे परिवार का सबका बहुत ख्याल रखते हो, जो मैरिड है वो अपने मायके भी ख्याल रख लेती हैं, अपने ससुराल का भी बहुत ख्याल रखते हैं, हम सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, सिर्फ एक पर्सन को छोड़कर वो हैं हम खुद। सबके करने में हम इतना बिजी रहते हैं सब, बट अपना ख्याल हम कभी नहीं रखते। इसका नतीजा आजकल क्या हो रहा है, लेडीज़ को थायराइड, बीपी, शुगर, यंग गर्ल्स को पीसीओडी, ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक तो सब वर्किंग भी हैं आजकल, क्या ज़्यादा लोग वर्किंग हैं तो वर्किंग के तो और टाइम नहीं मिलता होगा, आई थिंक बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता होगा, और हाउसवाइफ को भी टाइम नहीं मिलता है। कहने को हम कुछ नहीं करते बट हम बहुत कुछ करते हैं, दिन भर घर में ही हैं, बट मुझे खुद भी अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। सो अभी मैंने कुछ दिन पहले डिसाइड किया कि मैं अपने लिए टाइम निकालूंगी, एंड कोई भी एक्सरसाइज हो, योगा हो, एरोबिक्स हो, डांस हो, जुम्बा हो, एनीथिंग मैं अपने लिए करना शुरू करूँगी। क्योंकि जो मैंने भी फील किया, मेरे को बैकएक होने लगा, देन मेरे को ऐसे मेंटल भी कभी कभी होता है ना, आप डल हो जाते हो, समझ नहीं आता क्यों, क्योंकि हमें लगता है ना हम सबके लिए कर रहे हैं और अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वी फील गिल्टी कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर आवर हेल्थ और आवर सेल्फ। तो इसके लिए मैंने भी शुरू किया अभी वॉक करना, दो दिन मैं उधर पहले भी करती थी, इधर कुछ दिन से मेरा भी छूट गया था, रिदम टूट गया था, सो बट अब मैंने फिर से शुरू किया है वॉक करना डेली। क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप वॉक तो कर सकते हो, वो तो सबसे इजी चीज़। डॉक्टर्स भी करते हैं, कहते हैं कि आप कुछ मत करो, वॉक करो, सो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट एक्सरसाइज, वॉक करना। मुझे पसंद भी है वॉक करना, बट हाँ वॉक करने के लिए भी टॉक करना ज़रूरी होता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कॉल लगा लेती अपने मदर को, सिस्टर्स को, मदर इन लॉ को, किसी को भी, फ्रेंड्स को, कि कोई मिल जाए या कोई साथ में मिल जाए वॉक करने के लिए। तो आपको जो पसंद है, आपको डांस करना पसंद है आप डांस करो, एरोबिक्स पसंद है एरोबिक्स करो, जुम्बा करना है जुम्बा करो, एनीथिंग फॉर योर फिटनेस प्लीज़ स्टार्ट डूइंग फॉर योर सेल्फ। क्योंकि क्या ना, एक टाइम निकल जाएगा ना तो फिर हम पछताते हैं कि अरे क्यों कुछ नहीं किया था हमने अपने लिए। मैंने मम्मियों को, आंटियों को देखा, पूरी लाइफ फैमिली के पीछे लगा दी और लास्ट में अब क्या होता है, उनको इतनी सारी मेंटल इश्यू, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वेट गेन, देन आपको बहुत सारी शुगर, बीपी क्यों ज़्यादा हो रहा है, ये सब चीज़ें क्यों ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि वही हम अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। पहले बोलते थे कि लेडीज़ को कम होता था क्योंकि लेडीज़ ये सब चीज़ें नहीं करती थी, बट अपने घर के काम जो करती थी वो इतनी मेहनत वाले होते थे कि सारी चीज़ों में इतनी मेहनत लगती थी कि उनको ऑलरेडी वो एक्सरसाइज हो जाता था। आटा भी पीसना है तो घर में चक्की में नानियाँ पीसती थी, देन कुकिंग भी लेकर वो इतनी मेहनत करते थे, फिर खाना पीना भी अच्छा था, एनवायरनमेंट अच्छा था, पॉल्यूशन नहीं था इतनी, तो उनको तो हर चीज़ अच्छी मिलती थी, देन वो अपना ख्याल इस वे में रख लेती थी काम करने में। आजकल क्या, हमें हर चीज़ इंस्टेंट मिल जाती है, इंस्टेंट नूडल है, इंस्टेंट कपड़ा भी धुलना है, वॉशिंग मशीन में डाला वो कपड़ा धुल गया, आप बोलते हैं अरे मुझे कोई ज़रूरत नहीं वॉक वॉक करने की, कुछ करने की, क्योंकि मैं दिन भर अपने घर के इतना काम करती रहती हूँ। बट वो काम ऐसा तो है नहीं ना, किसे मेहनत लग रही है, लग रही है मेहनत, बट चलो कपड़े मशीन में डाल दिए, हो गए कपड़े, खाना बना लिया, तो ये सब आप कुछ बॉडी को ज़्यादा मूव तो नहीं कर रही है। सो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, कुछ भी करो, वॉक करो, एनीथिंग वॉट एवर, बट प्लीज़ डूइंग स्टार्ट करो। और मैं ये आपको नहीं, ये अपने आपको बोल रहा है मुझे, इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाने का सोचा कि शायद मैं आपको बोलूँगी तो मुझे भी जोश आए और मैं भी कुछ करूँ। क्योंकि जो बैठे बैठे भी ऑफिस वाले लड़के जो जॉब कर रही हैं आजकल बैठे बैठे, उनको भी ये सारी कॉम्प्लिकेशंस, देन आपको ये फर्टिलिटी इशू हो जाती है, बेबी करने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, एक बच्चा करने में हालत ख़राब हो जा रही है लोगों की, बिकॉज ये सब चीज़ें जो आजकल लोगों में बढ़ रही है। सो लेडीज़ प्लीज स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, और ये मैं अपने आप को भी कह रही हूँ दैट आई विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, कुछ भी करूँगी। पता है आपको जब करते हो ना तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है, लाइक मैं आप वॉक करके आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हाँ मैंने कुछ किया, मैं अपने हेल्थ के लिए, अपने लिए कुछ किया, तो मेंटल सेटिस्फेक्शन, देन आपका मेंटल जो ग्रोथ है या मेंटल चीज़ें वो भी बड़ी अच्छी बैलेंस्ड रहती है, ऐसा मुझे फील होता है। जब मैं जिम भी करती थी पहले तो मुझे अच्छा लगता था मैंने कुछ किया, कुछ तो किया, ये पतला मोटा होने से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक मैं पहले बहुत पतली थी, अब हेल्थ अच्छा हो गया मेरा,
तो मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बड़ा पतला होना है, बड़ा स्लिम होना है, क्योंकि भाई मॉडलिंग तो करनी नहीं है मुझे, दो बच्चों की माँ हो तो लगना तो चाहिए ना, दो बच्चों की माँ हो, तो वो मेरे को इशू नहीं है। आपकी बॉडी में अगर आप कंफर्टेबल हो कोई इशू नहीं है, और आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है तो ठीक है, तो आप बिल्कुल उतने ही वेट पे रहो जितनी आपकी हाइट है, उतना आपका वेट होना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं है कि आपको बड़ा पतला होना है, इसके लिए आपको स्टार्ट करना है। जस्ट अपनी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए प्लीज़ स्टार्ट डूइंग समथिंग। सो मुझे इतना ही कहना था, मैंने कह लिया, मुझे अच्छा भी लग रहा है मैंने कह लिया, मुझे सोचे थे कहूँ नहीं कहूँ, मैं कौन होता हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डाइटिशियन, आई एम नॉट एनी फिटनेस एक्सपर्ट, आई एम जस्ट अ वेरी वेरी कॉमन हाउस वाइफ जो कुछ अपने फ्रेंड से शेयर करना चाहती हो। तो अगर आपको अच्छा लगा ये बातें तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।